वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लेमा। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसी में हमारा सेकेंड पार्ट है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इजकल टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स। हम सबसे पहले गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, राइट हैंड साइड में माइनस टू मल्टीप्लीकेशन में है थ्री माइनस एक्स के साथ। सबसे पहले हम माइनस टू से थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग माइनस टू से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस टू से जैसे ही थ्री को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस सिक्स। ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, टू इंटू एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स। अभी हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में से इन सारे टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये माइनस में है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा इजकल टू ज़ीरो। और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इजकल टू ज़ीरो। अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू ज़ीरो, और हमारा ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया है वो इसी फॉर्म का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गिवन को इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थैंक यू सो मच, गुड डे।